कल हमने गिरफ्तारियों का मामला देखा जो कि जलसे के हवाले से पहले 5 जलसे मनसूख हुए, उसके बाद एक जलसा हुआ जिसको कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनका पावर शो है, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने कहा और जो अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट थी कि 15 दिन के अंदर हम जो पानी पीटे आए उनको करा लेंगे रिहा। कल की गिरफ्तारियाँ उसका ही एक जो कह लें आगे कड़ी है। क्या समझते हैं इससे क्या असरात होंगे मुल्की सियासत पर या तहरीक इंसाफ की? जी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने इस हवाले से वहाँ पर क्या क्या बातें की जिसमें से अक्सर काबिले मुज़म्मत हैं जी, और उसके ऊपर बिल्कुल हमें तशवीश का इजहार करना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि कल फिर जो पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई हैं जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, जिसकी मेरा ख़्याल है कि जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। उसकी वजह ये कि ये कुछ बुनियादी इदारे हैं कि जिनके ऊपर जिनका एहतराम होना चाहिए, जिनकी इज़्ज़त लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट है, GHQ है, पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस तो सबसे सुप्रीम है और अगर आप उसी के अंदर पुलिस दाखिल करेंगे या वहाँ पर लोग सादा कपड़ों में जाएंगे और तो फिर आप वो जमहूरियत के बुनियादी ढांचे पे ज़रब लगा रहे हैं। तो इसलिए वो जो कल अली अमीन गंडापुर ने किया या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जलसे में किया, वो मेरा ख्याल है कि अब इस हैपनिंग से थोड़ा पीछे रह गया है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वाकया है। हमने देखा कि डिक्टेटर्स के दौर में भी जो असम्बली के अंदर जो असम्बली का हॉल है या उसकी इमारत है या उसका अहाता है उसको उस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जाती रही। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में सिंध असम्बली से MQM हकीकी के एक MPA यूनुस खान को गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि एक हद क्रॉस की गई है कि जिसके अंदर आप पार्लियामेंट हाउस से 5 से ज़ायद MNAs को अरेस्ट कर रहे हैं। ये मसला तहरीक इंसाफ का या नून लीग का नहीं है। बुनियादी तौर पे ये जमहूरियत और इस सिस्टम को मेरा ख्याल है कि एक ज़रब लगी है कि जिसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर मैं देख भी रही थी, अखबार में भी मेरे सामने भी है जी, कि PTI के रहनुमाओं ने गिरफ्तारी के खौफ से पार्लियामेंट पे पनाह ली। ज़ाहिर है मीटिंग कर रहे थे, जो भी मामला थे। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात माजिद इसमें पॉइंट आउट की कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है। अगर ये ट्रेंड सेट हुआ है या अगर पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में, वी नेवर नो कि क्या सिचुएशन है, कौन सी पार्टी इकतदार में है, किसका क्या जोर चल रहा है। तो ये तो फिर एक ट्रेंड चल पड़ेगा। और हमने देखा है कि सियासत के अंदर कुछ ऐसे ट्रेंड्स आए हैं जो जमहूरियत पे भी बहुत सारे को डैमेज करते हैं, सियासी पार्टीज़ की साख को भी डैमेज करते हैं, और एज ए इंडिविजुअल भी एक सियासतदान की रेपूटेशन को बहुत डैमेज किया जाता है। बिल्कुल, हमने ये देखा कि अभी मखसूस नशिस्तों के फैसले पे गवर्नमेंट नहीं मान रही। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि बेसिक्स को नहीं छेड़ना चाहिए। हमने 97 में नून लीग की गवर्नमेंट में देखा कि आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आईं तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। तो अगर आप इस तरह जो बेसिक जो ढांचा है, बुनियाद है रियासत की, अगर उसके ऊपर बात करेंगे तो सियासी जमातों को ये समझना चाहिए कि वो हर वक्त तो इकतदार में नहीं रह सकते। मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के दौर में पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जमियत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के MNA मौलाना जमालुद्दीन को वो पार्लियामेंट लॉजिस से घसीटते हुए लेके गए थे, और उस टाइम भी ये कहा गया था कि जी इनके ऊपर कोई पर्चे हैं, FIRs हैं, गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये हुआ कि पहले वो पार्लियामेंट लॉजिस तक महदूद था, इस हुकूमत में वो पार्लियामेंट हाउस तक आ गया है। तो ये अगर आप इस सिलसिले को शुरू करेंगे तो ये कहीं पर रुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जो भी सियासी जंग है, लड़ाई है, वो बिल्कुल लड़ें, एक दूसरे पे मुकदमात करें, जो उन्होंने सियासी गर्मा गर्म बयान देने हैं वो दें। लेकिन मेरा ख्याल है जो बेसिक्स ऑफ सिस्टम है या डेमोक्रेसी की जो बुनियादें हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उनकी स्टेटमेंट के हवाले से, पहले हमने देखा कि जलसे से पहले भी उनकी कुछ ऐसी जो कह लें स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और एक जो सियासी रहनुमा है वो पार्टी का कहीं ना कहीं एक स्टांस बयान कर रहा होता है। और जब आप इतने आला ओहदे के ऊपर फाइज हों, आप वज़ीरे आला हैं एक सूबे के जिसके अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आप जलसे में जिस तरह से उन्होंने
इल्काबात दिए, लोगों को बुरा भला कहा, ख़वातीन के हवाले से बात की, और इसके बाद उमर अयूब साहब ने भी माफ़ी मांगी और बैरिस्टर गौहर साहब ने मांगी। लेकिन ये कितनी एक अजीब और बुरा ट्रेंड है कि एक सियासी रहनुमा जलसे के अंदर लाखों के या हज़ारों के चले मजमे से बात करते हुए इस तरह की जो कह लें लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, उससे तो आप ज़ाहिर एक पार्टी का स्टांस पता लग रहा है। और उस पर सहाफ़ियों ने तो एहतजाज किया है, औरत फाउंडेशन भी इस पर जो कह लें प्रोटेस्ट करे, लेकिन ये होना ही क्यों है जब इस पर माफ़ी मांगनी है तो? बिल्कुल, ये तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, और जो उन्होंने बातें की हैं मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से खासी गैर मोहतात है। हमने देखा कि इमरान खान साहब भी इस तरह के बयानात देते रहे हैं कि जिसमें उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को हिट किया, उनके हस्बैंड को हिट किया, या। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में इस लिहाज से सेंसिटिविटी खासी कम है। अब हो ये रहा है कि जब तहरीक इंसाफ ऐसा करती है तो वो उसके डिफेंस में ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने ऐसा किया, जब मुस्लिम लीग नून ऐसा करती है तो वो कहते हैं तहरीक इंसाफ ऐसे करती है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वातीन के हवाले से बात करते हुए एक अमूमी तौर पे एहतराम का रवैया रहना चाहिए, जो कि इस बढ़ती हुई पॉलिटिकल पोलराइजेशन में कम होता जा रहा है। ख्वातीन पे तनकीद करना, उनको निशाना बनाना, ये बाजारी मामला है, मैं इसको इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और इसमें आप ये समझें कि आप उस वक्त तो मेला लूट लेते हैं, आवाम ताली भी बजा देती है, लोग उन नाजेबा अल्फाज के ऊपर वाह वाह भी कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त एक क्राउड का एक मिजाज बना होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये बता रहे होते हैं कि आप कोर ऑफ द हार्ट आपके क्या ख्यालात हैं, क्या ख्यालात हैं। और अली अमीन गंडापुर ये पहली दफ़ा नहीं कर किया उन्होंने, वो इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। और इस पर आपको नहीं लगता कि बानी पीटे आए को एक दफ़ा ये स्टांस करना चाहिए, दो कि वो खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स पास करते रहे हैं, एक स्टांस होना चाहिए पार्टी का कि ये भी एक रेड लाइन है जिसको वो बार बार मैंशन करते हैं कि ख़वातीन के कैरेक्टर पर, उनके अपेरेंस पे, उनके बारे में इस तरह की बात ना की जाए और इतने बड़े इज्तम के सामने, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सपोर्टर्स को प्रोवोक कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखें कल जब इमरान खान से इस मामले पे बात हुई जेल में, हाँ। तो सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो उन्होंने बिल्कुल पहलू तही करते हुए कहा कि देखें मैं तो जेल में हूँ, मुझे क्या पता। तो उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर वो ये देखते हैं कि जब मुखालिफ के ऊपर तनकीद हो रही है तो फिर आप असूल और ज़वाबित को, आइन कानून को एक तरफ रख दें, फिर उस वक्त आप खुल के तनकीद करें। अब जिस तरह कल बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब माफ़ी मांगते रहे हैं, मसला ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर को क्या ये एहसास है, क्या उन कारकुनान को एहसास है जो इसको रिपीट किए जा रहे हैं, जो इसके हक में डिफेंस दे रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं कि देखें दो साल पहले ऐसे हुआ, एक साल पहले ऐसे हुआ, तो इस चीज़ को बुरा समझा ही नहीं जा रहा। तो ये सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप इस चीज़ को बुरा नहीं समझते, आप उस वक्त बुरा समझते हैं कि जब बुशरा बीबी पे बात हो। अगर मुस्लिम लीग नून बुशरा बीबी पे बात करेगी तो आप कहेंगे बहुत जुल्म हो गया, परेशानी होगी। इसी तरह जब मुस्लिम लीग नून उस वक्त परेशान होगी जब मरियम नवाज पे बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये ट्रेंड गलत है, इससे आप ये जाहिर करते हैं कि माशरे में आपके लिए वो तमाम असूल जो आपके लिए लागू होते हैं या जिन पे आप सेंसिटिव हैं वो आपको प्यारे हैं, बाकी आप एक तरफ रख देते हैं। और ख्वातीन के मामले में चाहे वो कोई सहाफ़ी खातून है या कोई किसी की घर में है, कोई वज़ीरे आला है, किसी की अहलिया है, इन सब के बारे में स्टेटमेंट देने से पहले ये ज़रूर सोचें कि कल को खुदा न खास्ता आपके बारे में, आपके घर वालों के बारे में, आपकी फैमिली को कोई इन्वॉल्व करता है तो आप कैसा फील करेंगे। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, लेकिन ये चीज़ बेसिक एथिक्स में आती है जो कि शायद हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। अच्छा जी, ये तो गिरफ्तारियों के हवाले से माजिद हो गई बात, अब गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, क्या होगा आगे तहरीक इंसाफ का? देखिए, जो लग रहा था कि 22 अगस्त को एक जलसा मुलतवी हुआ, थोड़ी सी कोऑपरेशन हुई तहरीक इंसाफ की जानिब से, 8 सितंबर को हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ कोऑपरेट किया गया, तो ऐसे लग रहा था कि शायद को मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन वो एक तकरीर, उसने वो सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको डैमेज कर दिया। अब चीज़ें वो जिस तरह कहते हैं कि दो कदम आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि 10 कदम पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए वो जो सोचा जा रहा था कि कोई रिकन्सिलिएशन होगी या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कोई बातचीत हो सकती है, कोई धीमे मिजाज के कोई न्यूट्रल लीडर्स दोनों साइड से बैठ के बात करेंगे, अभी तो लग रहा है कि वो सारा का सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और ये मामला फिर कन्फ्रंटेशन की तरफ चला गया है और इसमें आने वाले दिनों में इजाफा ही लग रहा है, कमी होती नज़र नहीं आ रही।
पहले जो सोचा जा रहा था कि शायद कोई बातचीत की गुंजाइश निकल सकती है, वो मेरा ख्याल है कि एक दो दिन में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि पहले वो तकरीर हुई, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियाँ हुई। मेरा ख्याल है कि जो कोई एक आध फीसद चांस था भी, वो भी मुझे अब लग रहा है खत्म हो गया। और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होने की तवक्को है। अच्छा माजिद जी, आपने बात ठीक की कि कुछ ना कुछ ये एक एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर बिल्ड हो रहा था जिसमें लग रहा था कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, शायद कोई बैकडोर रबते हैं, कुछ मामला तय पा जाएंगे। लेकिन अभी ये जो गिरफ्तारियों वाला और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों वाला मामला, वो इससे ये मैसेज तो क्लियर हो गया कि आपने अगर बात करनी है तो सुकून, तहम्मुल और इत्मीनान से करनी है, इस तरह की तकरीर और इस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब जो बात हो रही थी जिस पे बानी पीटीआई भी बार बार कह रही थी कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, मैं हुकूमत से नहीं करूँगा, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखा गया और राना सनाउल्ला, क्या अब वो वाले डोर भी आपको लगता है कि सारे मामले से क्लोज हो गए हैं, जो बातचीत के इम्कान थे अब उनके ज़ीरो चांसेज़ हैं? देखिए पॉलिटिक्स में ज़ीरो तो मेरा ख्याल है कि कभी भी नहीं होता, चांसेस रहते हैं। लेकिन ये जो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बन गया है पिछले 48 घंटे के अंदर, उससे ये लग रहा है कि ये सारा प्रोसेस डिले हो जाएगा, डिले होगा। और उसकी वजह ये है कि महमूद ख़ान अचकज़ई से भी तब बात की जाएगी जब उनके पास पीटीआई की जानिब से कोई मैंडेट होगा। पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि जब चीज़ें इमरान खान साहब के पास जाती हैं तो वहाँ पर जो येस नो होता है वही फाइनल अथॉरिटी होती है। तो अगर महमूद खान अचकज़ई किसी स्टेज पे ये बात करते भी हैं कि मामला को कैसे आगे लेके चला जाए, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की जेल से अप्रूवल लाजिम होगी, ज़रूरी होगी। लेकिन अभी जो माहौल बन गया है पिछले 48 घंटे में, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राना सनाउल्ला या महमूद अचकज़ई, असद कैसर जैसे जो लोग हैं जो बैठ के बात करने की बातें कर रहे थे, वो प्रोसेस अब मुझे लगता है कि थोड़ा डिले हो गया है। एटलीस्ट 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में अगर कोई ऐसी मज़ीद कोई बदतर सूरत हाल नहीं होती या कोई ऐसी पॉलिटिकल हैपनिंग नहीं होती, तो हो सकता है कि फिर हम ये देखें कि अक्टूबर में कहीं जाके हो सकता है कोई बातचीत का आगाज़ हो। लेकिन अभी की सूरत हाल में बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में एक फैसल वाडा साहब भी हैं, और वो फैसल वाडा साहब जो सारी सूरत हाल में है ना, वो आते हैं टीवी के ऊपर, एक आधी ऐसी बात करते हैं, थरथली मचाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं किसी टॉक शो में, फिर कोई बात करते हैं। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले इमरान खान को मालूम था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये उन्होंने कल कहा है एक प्रोग्राम में बैठ के। इस तरह की इजरायली जो लॉबी है उसके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब भी बात कर चुके हैं। ये जो बयानात का सिलसिला है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कैंपेन बिल्ड की जा रही है और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो जस्टिफाइड नहीं है, बट हो सकते हैं उसमें। लेकिन ये जो फैसल वाडा साहब पे स्पेसिफिकली मैं आपका कमेंट चाहूँगी। असल में लता मंगेशकर जो बड़ी मशहूर गुरुकार हैं, उनके बारे में कहा गया था कि उनके गले में भगवान बोलता है। हाँ। तो फैसल वाडा इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के वो किरदार हैं कि जिनकी आवाज़ में भगवान बोलता है, पाकिस्तानी भगवान है वो आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मामलात इल्ज़ामात से अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रोसिक्यूशन में ये चीज़ें साबित करनी होंगी। अभी तो ये बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को जो इमरान खान मुखालिफ हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये जनरल फैज़ हमीद ने 8-10-15 जराइम ऐसे किए हैं कि जिनकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, चीज़ें फाइनली किसी कोर्ट मार्शल की स्टेज पर अदालत में पेश होंगी, उस वक्त इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। उसकी वजह यह कि हमने पहले देखा कि इमरान खान दौर में और उससे पहले कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई, फिर ये कि पीपल्स पार्टी पर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात लगे कि अरबों रुपए की करप्शन है, कराची में बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं, पैनामा केस हमारे सामने है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ का हमारे सामने है, कि उस वक्त तो बहुत बात होती है। लेकिन जब वो चीज़ें अदालत में जाती हैं और वहाँ पर एविडेंस के ज़रिए आपने नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करके उसे जब साबित करना होता है, तो वहाँ पर खासी मुश्किल आती हैं। तो फैसल वाडा साहब की जो बातें हैं वो टॉक शोज के लिए वो तो बहुत क्रिस्पी हैं, एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल। और इस माहौल के अंदर वो खासी गहमा गहमी गर्मा गर्मी भी क्रिएट करती है, अटेंशन ले लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब वो जब ये मामला अदालत में जाएगा तो वहां पर इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट। पहले वो रिमार्क्स देते हैं, जजेस के बारे में बात करते हैं, फिर वो थोड़े अरसे बाद माफी मांग लेते हैं जब अदालत में उनको बुलाया जाता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स की बात से फैसल वाडा साहब तक नहीं महदूद, ये जनरल फैज हमीद के आपने केस का जिक्र किया,
ये वो केस है जो उसको बार बार फौज कह रही है कि जी हमारा अंदरूनी मामला है, हमने इस पर कार्रवाई करनी है, लेकिन उस पर भी अगर ये सियासतदान आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, एक सियासी जमात के साथ उसको जोड़ा जा रहा है जो कि फौज नहीं जोड़ रही, सियासतदान उसमें से गेन कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं जिस इदारे को कंट्रोवर्सी से वो बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं और बार बार उनको आके कहना पड़ता है, उनको दोबारा से उस जो कह लें एक टहरे में लाके खड़ा करते हैं अपनी स्टेटमेंट से। बिल्कुल, असल में जनरल फैज़ हमीद का मामला ये है कि वो 6-7 साल बड़े ताकतवर जनरल रहे हैं और उनसे बहुत से लोगों को शिकायत थी। अब चूंकि वो टेबल टर्न हो चुका है, वो जो लोग अपोजिशन में थे वो गवर्नमेंट में आ चुके हैं और जो उनके फैक्ट्रीज थे वो अब कंफर्टेबल हैं, तो इसलिए वो तमाम अफराद जो उनसे नाराज़ थे, नाखुश थे या उनको शिकायत थी, अब वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और एक जनरल जो रिटायर्ड हो चुका हो, जो कोर्ट मार्शल का सामना कर रहा हो, मेरा ख्याल है उसकी सपोर्ट कोई नहीं करता, सारे उसके मुखालिफ ही होते हैं। तो वो जिसके साथ कुछ हुआ भी था, जिसके साथ कुछ नहीं भी हुआ था, होने वाला था, वो सारे के सारे अपना अपना गुस्सा और भड़ास निकाल रहे हैं। सो इसलिए वो एक पंचिंग बैग इस वक्त बने हुए। लेकिन फिर मामला ये है कि अदालत में कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या एविडेंस पेश होता है, किस किस चीज़ पे उनको जो है वहाँ पर ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, क्या सज़ा होती है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसकी वजह यह कि इल्ज़ामात या गॉसिप या इस तरह के दावे जो हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकाल के सामने लाना कि जो ऑथेंटिक हो, जिसके ऊपर सज़ा हो सकती है, जो ऐसा जुर्म हो कि जिसकी बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल होना चाहिए। और ये बड़ा पॉजिटिव है कि अगर कोई आदमी DGISI लेवल का भी है तो उसको भी कटहरे में लाना चाहिए, अगर उसने कोई गलती की है तो बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया और आइंदा भी ऐसे तमाम जनरल्स के जिन्होंने को गलतियाँ की हैं उनको कटहरे में लाया जा सकता है। ठीक। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com